न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल, व्हाट इज़ द मोल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, इसकी वीडियो जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट के मोल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब आज जो है वो उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स हों, कैलकुलेशन हो, तो वो किस तरह होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कह रहे हैं इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम Na, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड द सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, एंड H2O इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। H माने हाइड्रोजन होता है और O माने ऑक्सीजन होता है और Na माने जो है वो आपके पास सोडियम है। अब इन दोनों को आपके पास 50 ग्राम गिवन है, सोडियम भी और H2O भी, कह रहे हैं इन दोनों के अलहदा अलहदा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि व्हाट इज़ द एटम एंड व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ देखें तो आपके पास सोडियम एक मौजूद है, सिर्फ ये एक है Na, लेकिन वाटर अगर आप देखें तो वो H भी मौजूद है और O भी मौजूद है, यहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, तो ये क्या डिफरेंस है वो हमें देखना होगा। एटम कहते हैं आपके पास खाली एक चीज़ को, जैसे कि Na हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, Na मीन्स सोडियम है, H मीन्स हाइड्रोजन है, O मीन्स ऑक्सीजन है, Cl मीन्स क्लोरीन है, ये सब कहलाते हैं आपके पास एटम। लेकिन अगर ये एटम आपस में कंबाइन हो जाएं, केमिकल बॉन्डिंग कर लें, एक दूसरे को जोड़ लें आपस में, तो ये आपके पास कहलाते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O, दिस इज द मॉलिक्यूल, ये आपके पास एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। तो ये डिफरेंस हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि एटम और मॉलिक्यूल के अंदर फ़र्क क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हम डेटा बनाएंगे, डेटा के अंदर क्लास डेटा के आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे साइड पे, एक रफ कॉपी आप अपने पास रख लें, और जिस जिस तरह मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ आप भी न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करते रहें ताकि आसानी रहे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सवाल में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ पूछी जा रही है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आप यहाँ लिख लेंगे नंबर की शॉर्ट फॉर्म करके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके क्लास, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है इन 50 ग्राम, 50 ग्राम जो ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, मास। आपके पास Na और H2O मींस के सोडियम और वाटर का इतना वजन मौजूद है, तो आप यहाँ कॉमनली लिख लेंगे कि गिवन मास, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आमतौर पर, गिवन मास इज इक्वल टू 50 ग्राम। अगर अभी यहाँ हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक एटम है, दिस इज एटम जो मैंने अभी यहाँ बताया, एंड दिस इज मॉलिक्यूल। ओके, अब एटम के लिए अगर आप फॉर एटम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं कि फॉर एटम मीन्स के सोडियम की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर Na का एटॉमिक मास लिखेंगे। याद रहे Na का एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल जो जनरली आपके पास टेक्स्ट बुक होती है केमिस्ट्री की, या जनरल केमिस्ट्री की बुक है, या नेट पे से आप, या मेरी पुरानी वीडियोस हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, ब्रांचेस केमिस्ट्रीज के अंदर भी मैंने पीरियोडिक टेबल शेयर करा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या है। जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएंगे तो आपको सोडियम का एटॉमिक मास मिलेगा 23 आपके पास सोडियम का एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ तक तो आपके पास हो गया डेटा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूला लगाएंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है गौर से देख लें, गिवन मास डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर यहाँ हम एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम NF का फाइंड कर रहे हैं तो एटम है, जब हम H2O की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल होगा, अभी हम यहाँ एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे एटॉमिक मास, वरना आप यहाँ पर लिखोगे, मैं और करके लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ एटम नहीं होता, मिसाल के तौर पे कोई भी मॉलिक्यूल होता, जैसे NaCl होता, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, या वाटर होता, या अदरवाइज कोई और होता, तो आप यहाँ लिखते मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास आपने
पीरियोडिक टेबल से निकालना है। और मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करना, अभी जब H2O को कैलकुलेट करेंगे तो फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना भी मैं आपको सिखा दूंगा। फॉर्मूले के लिए आज से देखें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये हो गया कि गिवन मास एटम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख दिया है मैंने, एटॉमिक मास। अच्छा, आप बैक करके देख सकते हैं कि गिवन मास जो था मेरे पास डेटा के अंदर वो था 50 ग्राम। आप बैक करके डेटा में देख लीजिएगा, और एटॉमिक मास जो मैंने पीरियोडिक टेबल से निकाला था वो था 23। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा, आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा, 2.173, और इसकी यूनिट होती है मोल्स। उसके बाद आप एटम के लिए, एटम का हो गया, तो इसके बाद आप मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ 4 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो आप डेटा दोबारा से बना लेते हैं, सॉरी डेटा मैं यहाँ दोबारा से बना रहा हूँ, फिर दोबारा मैं सवाल को देखते हुए लिखूंगा कि गिवन मास इज इक्वल टू, वाटर के लिए भी 40 ग्राम ही यूज़ किया जा रहा है, मॉलिक्यूल कौन सा है आपके पास, वाटर, 50 ग्राम ही यूज़ किया जा रहा है गिवन मास, इतना ही गिवन है आपके पास। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इसके भी आपको फाइंड करने हैं, और मॉलिक्यूलर मास, असल चीज़ अब आपकी शुरू हुई कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वो किस तरह फाइंड होगा, वो इस तरीके से फाइंड होगा कि पहले आपके पास क्या मॉलिक्यूल है, एच और ओ, तो आप यहाँ लिखेंगे एक बार एच और एक बार ओ, उसके बाद इस तरह आगे साइन बना देंगे। एच आपके पास कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, और ओ कितने मौजूद हैं, 1 मौजूद हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इज अ मैथ्स कॉन्सेप्ट रूल, कि मैथ्स का जो बेसिक रूल है वही है, यही है कि ओ जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो आपके पास ओ कितने मौजूद हैं, 1 मौजूद हैं, ओके, जहाँ कुछ नहीं होगा आप वहाँ 1 लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे इनके एटॉमिक मासेस से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपके पास 16। अब उसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से तो आंसर आएगा 2, और जब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। ये जो आंसर्स आएंगे इन दोनों को आप ऐड कर लें, 16 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 18, इसकी यूनिट होती है AMU। तो आपके पास सोडियम के अंदर तो यहाँ पर 23 आपने डायरेक्टली निकाल दिया था क्योंकि एक ही एटम था, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा एटम है, तो इसलिए आप मॉलिक्यूलर मास डेटा के अंदर ही या सॉल्यूशन के अंदर भी आप अलहदा से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसी तरह सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, वही फार्मूला होगा, वही सब कुछ होगा। फार्मूला क्या था हमारे पास, जो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत आसान सा फार्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है आपके पास, 50, और मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना गिवन है, 80। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आएगा 2.77 मोल्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ मॉलिक्यूल। अब तो इस चीज़ की अच्छी तरह पहचान हो गई होगी कि ये मॉलिक्यूल है या एटम है। मॉलिक्यूल वो जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो, जैसे कार्बन, सॉरी एटम वो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम हो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या अदरवाइज, पीरियोडिक टेबल भरा पड़ा हुआ है आप सर्च कर सकते हैं, दिस इज एटम। बट मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O, जैसे H और O ने मिलके H2O बना लिया, इन दोनों ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली, उसके अलावा इन दोनों ने मिलकर CH4 मीथेन गैस बना ली, इस तरीके से इन तीनों ने मिलकर आपके पास ग्लूकोज बना लिया, इस तरह हज़ारों कंपाउंड्स हैं हमारे पास।
जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, और उसके साथ कह रहे हैं कि थ्री मोल्स। पिछले सवालों में हम हमारे पास मोल कैलकुलेट करने के लिए कह रहे थे, अब यहाँ पर मोल्स गिवन है, थ्री मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मास। मास वही जो हम लोग डेटा के अंदर गिवन मास करके लिख रहे थे। सबसे पहले आप उसी तरह डेटा की हेडिंग डालेंगे, और फिर उसके बाद जो गिवन चीज़ें होती हैं सबसे पहले हम वो उतारते हैं। तो हमारे पास कितने मोल्स गिवन हैं, मोल्स ऑफ, आप इसको इस तरह लिखेंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने मोल्स हैं, थ्री मोल्स। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको निकालना होगा, जिस तरह हमने पिछले सवालों में निकाला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन, सिर्फ दो एटम है तो दोनों लिख देंगे। उसके बाद आप इस तरह इनके आगे इनकी क्वांटिटीज लिखेंगे, जैसे कार्बन आपके पास वन मौजूद है तो यहाँ वन आएगा, और ऑक्सीजन आपके पास दो मौजूद हैं तो यहाँ दो आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और इनके आगे इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 वन 12 और 16 2 32। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, याद रखें, इनको ऐड करवाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये 3 और 1 भी 4 हो जाएंगे। 44 AM इज द मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद फाइंड क्या करना था, मास। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मास क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सॉल्यूशन की, और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला उतारेंगे। सॉल्यूशन की मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ और फॉर्मूला उतार देते हैं। फॉर्मूले के लिए आप वही लिखेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वही फॉर्मूला है जो अभी हम पिछले दो सवालों में यूज़ किया है। इसके लिए आपके पास भले से मास पूछें, मॉलिक्यूलर मास पूछें, गिवन मास पूछें, नंबर ऑफ मोल्स एक्स वाई जेड कुछ भी, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछ लें, आपके पास फॉर्मूला यही रहेगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास अगर गिवन मास पूछा है, जैसे इस सवाल में इन्होंने मास पूछा हमसे, तो अगर मास पूछा है तो आपके पास मोल और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों गिवन होने चाहिए। और अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछा है जैसे पिछले सवालों में कर रहे थे, तो गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास आपके पास फाइंड आउट होना चाहिए। अगर एक चीज़ पूछिए तो अल्टरनेट दूसरी दो चीज़ें आपके पास फाइंड होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला आपका सक्सेसफुल होगा। अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह। ध्यान से देखें, जहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है हम वही चीज़ रखेंगे। अब ये यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो रही है, आपकी सिंप्लीफिकेशन है, खाली पुट करके आंसर निकालना है। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, थ्री मोल्स, तो आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह रख देंगे थ्री। ये इज इक्वल टू, इसी तरह आ जाएगा गिवन मास जो कि आपको फाइंड करना था, तो इसको मैं यहाँ ऑनली मास ही लिख दे रहा हूँ। डिवाइड का साइन इसी तरह आएगा। अब ये मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपके पास, 44। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आपको फाइंड क्या करना है, मास। तो याद रखें कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो इज इक्वल टू के एक साइड पे बचनी चाहिए। मीन्स के इज इक्वल टू ये रहा, इसकी साइड पर सिर्फ वही चीज़ हो जो आपको फाइंड करनी है, बाकी जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे हो। जैसे मास के नीचे यहाँ मौजूद है 44, तो ये 44 यहाँ नहीं होना चाहिए, ये 44 को हम किसी तरह यहाँ ले आएंगे। जब यहाँ ले आएंगे तो खाली यहाँ पे मास बचेगा, तो आपका फिर मास फाइंड हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ 44 इससे डिवाइड हो रहा है, तो मैथ्स का रूल होता है कि अगर इज इक्वल टू के एक साइड पर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो अल्टरनेट वो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले से 3 मौजूद था, तो 3 से आके 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास जो आपके पास निकलेगा वो 44 का, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 132 ग्राम। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा, रफ कॉपी में साथ साथ न्यूमेरिकल करें ताकि आप खुद से भी सॉल्व कर सकें।